रुक रुक के ना देख, रुक रुक के देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत पश्चिमी देशों के नेताओं का कहना है कि इस बात के सबूत हैं कि ईरानी मिसाइल ने यूक्रेन के यात्री विमान को गलती से मार गिराया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने विमान दुर्घटना की पूरी जांच की मांग की है। पहले ये कहा गया था कि यूक्रेन का ये यात्री विमान तेहरान हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सवार सभी 170 लोग मारे गए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें कई सूत्रों से खुफिया जानकारी मिली है जिससे संकेत मिलते हैं कि विमान को हवा में मार गिराया गया था। ट्रूडो के मुताबिक ये संभव है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. हालांकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि अभी किसी पर इल्जाम लगाना या किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। विमान में कनाडा के 63 नागरिक सवार थे और सभी मारे गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी ट्रूडो के बयान पर सहमति जताई और कहा कि ब्रिटेन और कनाडा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी जस्टिन ट्रूडो के बयान पर सहमति जताई और कहा कि हो सकता है कि विमान को गलती से मार गिराया गया हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि यूक्रेनी विमान हादसे के लिए ईरान जिम्मेदार है। हालांकि ट्रंप ने सीधे सीधे इसका दोष तेहरान पर नहीं मढ़ा, लेकिन उस दावे को खारिज किया जिसमें हादसे की वजह टेक्निकल गड़बड़ी को बताया गया है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को अफवाह करार दिया है।